आर्मी चीफ मोहतरम आसम मुनीर साहब, बहुत अच्छे फैसले हैं आपके कि क्रैकडाउन होना चाहिए जिन लोगों के घर कैश से और डॉलरों से भरे हुए हैं और जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं उन पर सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। और रिक्वेस्ट है कि 5,000 रुपये का नोट बंद कर दिया जाए और करप्शन में ये भी देखा जाए कि स्मगलिंग चूंकि पहले भी करप्शन की वजह से होती है, बॉर्डरों पर जब ट्रक आते हैं असला होता है, उसमें मंशियात होती हैं और जो भी अनाज वगैरह जो स्मगलिंग होती है वो ट्रक छुड़वाने पे रिश्वत दी जाती है बॉर्डरों पे। तो ये करप्शन की वजह से ही स्मगलिंग हुई, करप्शन की वजह से ही लोगों के घरों की तिजोरियां और अलमारियां कैसे भरी हुई हैं। तो ये करप्शन पे क्रैकडाउन होना चाहिए सख्ती से कि अब स्मगलिंग को रोकना है तो कोई रिश्वत देकर ट्रक को छुड़वा ना सके और लोगों के घरों में जो छापे मारने हैं, क्रैकडाउन करना है, कैश पकड़ना है, डॉलर पकड़ने हैं, तो वो मजीद करप्शन का एक नया दौर शुरू ना हो जाए। तो इसके ऊपर भी बहुत जबरदस्त चेक रखने की जरूरत है और दूसरा ISPR की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। और ये बताएं अवाम को कि यार कौन है और गद्दार कौन है, क्योंकि जो लोगों का समझा जाता है कि उन लोगों ने दहशतगर्दी में, शरपसंदी में या 9 मई के वाकये में जिस तरह भी उन लोगों ने सपोर्ट किया, तो बहुत सारे तो पकड़ दकड़ करके जेलों में डाल दिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने उन्हें उकसाया अपने गानों के जरिए, अपने स्क्रिप्ट्स, अपनी राइटिंग, अपने ट्विटर के जरिए, अपना सोशल मीडिया के जरिए या निजी महफिलों में या जहां तकरीरों की, उकसाने वाले जो हैं उन्हें ISPR प्रोजेक्ट्स देते हैं, उनसे गाने भी गवाते हैं और उनसे कॉन्सर्ट भी करवाते हैं। तो कंफ्यूज हैं हम।